जैसा कि मैंने आप सबको बताया, डांस बेबी डांस के ऑडिशंस हैं नेक्स्ट मंथ से, और उसके लिए चाहिए आपको खूब सारी मेहनत और लगन। और हाँ, जिनके पास होंगे ये गोल्डन बूट्स, वो डांस बेबी डांस में डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं। और ये सिर्फ गोल्डन शूज नहीं, ये आपके सपनों का टिकट है। और आप में से कुछ 5 लोग हैं जिनको ये गोल्डन शूज मिल सकते हैं। आप सब में से कोई एक डिजर्विंग लड़का है या फिर एक लड़की, और जिसको आज पहला गोल्डन शूज मिल रहा है, एनी गेसेस? तो उस टैलेंटेड और डिजर्विंग डांसर का नाम है मेहुल शर्मा। यस, थैंक यू सर। फील द जॉब्स दे, थैंक यू सर। पहनो और फील लो आने वाली स्टारडम की। थैंक यू सर। आप सब भी ये गोल्डन शूज ले सकते हैं एक नॉमिनल सी फीस देकर। पर हाँ, याद रहे सिर्फ 4 ही शूज बाकी हैं। डांस बेबी डांस के ऑडिशंस नेक्स्ट मंथ से शुरू हैं, तो लग जाइए। ऑल द बेस्ट। तू जान ना सर से बात कर। कुछ नहीं पापा, मैं क्या बात करूंगी। अरे मैं क्या बात कर रही हूँ, तू जा। गुंजन, डट्टू, क्या बात, कोई प्रॉब्लम है? सर, मेरे लिए फीस का इंतजाम करना मुश्किल हो पाएगा। सर, मैं गैराज पे काम करता हूँ, मेरी हैसियत नहीं है, इतना एडवांस नहीं मिल पाएगा। सर, हम दोनों की सिचुएशन एक है। मेरे पापा की तो इतनी इनकम भी नहीं है, लेकिन हम दोनों इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और सर, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको हमसे ज़्यादा पैशनेट स्टूडेंट कहीं नहीं मिलेगा। गुंजन, गट्टू, मैं शहर में नया ज़रूर हूँ, लेकिन मैं देखते ही बता सकता हूँ कौन टैलेंटेड है कौन नहीं। सच बताऊँ, इन सब में अगर कोई डिजर्विंग है ना, तो तुम दोनों ही हो। ये पैसे मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, आगे ऑर्गेनाइजर्स और कोऑर्डिनेटर्स को देने होते हैं। ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं आगे ऑर्गेनाइजर से बात करके तुम लोगों के लिए डिस्काउंट अरेंज करा सकता हूँ। 1,00,000 रुपीज ईच। पर हाँ, ध्यान रहे, शूज सिर्फ 4 ही बाकी हैं। ऑल द बेस्ट। 1,00,000? माँ, खराब हो गया तुम्हारा? वैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? किसी ने भी मुंह उठा के कुछ ही बोल दिया और तू मान गई? अरे है कौन ये अब्बास सर? पता नहीं ये चोर उचक्के कहां से पब्लिक को लूटने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। अब्बास सर कोई आलतू फालतू नहीं है, वो 15 सालों से इस इंडस्ट्री में, वो कोरियोग्राफर है। तो अब का निकाल दिया गया उन्हें वहां से? वो छोटे शहरों में टैलेंट खोज रहे हैं, और अगर आपको पैसे नहीं देना है ना, तो मत दो, मैं और गट्टू अरेंज कर लेंगे। लेकिन आप किसी आर्टिस्ट के ऐसे इंसल्ट मत करो। आर्टिस्ट, बोर्ड परीक्षा सर पे है, उस पे ध्यान दो। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, उस मैकेनिक से दूर ही रहो तो अच्छा है, सारा कचरा उसी ने तुम्हारे दिमाग में डाल रखा है। क्या जैसी बाजी, आप तो हमेशा ही मजाक उड़ाते रहते हो। बाजी, मैं कह रहा हूँ ना, 1,00,000 की बात, 1,00,000 में एंट्री पक्की है। और फिर तो मैं, और फिर तू शाहरुख खान बन जाएगा। दिन में सपने देखना बंद कर और काम पर ध्यान दे, तब पाना दे। अरे हीरो, पाना देना। जैसी पाजी, 1,00,000 की बात है,
मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा। अबे एक काम कर, जाके किसी बैंक में डाका डाल, वहीं से मिल पाएंगे तुझे इतने पैसे। वही सोच रहा है ना जो मैं सोच रही हूँ। टाइम निकले जा रहा है यार गुंजन, मैं जल्दी कुछ पैसों का जुगाड़ करना होगा वरना ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। फिर ऐसे खड़े खड़े सपने देखने से हमें पैसे नहीं मिलने वाले, हमें सच में कुछ करना ही होगा। टेलीविजन से हमारा गहरा लगाव है, शायद इसीलिए इससे जुड़े हुए शोज कब हमारी जिंदगी में उत्साह या उन्माद का कारण बन जाते हैं कहना मुश्किल है। रियलिटी शोज का मंच एक झटके में स्टार बना देता है और बड़े पैमाने पर आज का युवा इस ख्याति को हासिल करने का सपना देख रहे हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, अपनी प्रतिभा के बल पर देखा गया कोई भी सपना गलत कैसे हो सकता है, और ना ही इस तरीके के मंच को लेकर कोई सवाल उठता है। सवाल उस सपने को पा लेने की छटपटाहट का है। गुंजन, ए गुंजन। हाँ? टेबल पे तो तीन ही गोल्डन शूज है। पर चार होने चाहिए। वो देख, ये कैसे मिले तुझे? कैसे मिले मतलब? मेरे पापा ने फीस भरी है। अबे फीस गई भाड़ में, डांस की एबीसीडी भी आती है तुझे? पागल हो गया? तुझे पता है वो वरुण मित्तल है, मित्तल स्वीट्स वालों का बेटा। इसका क्या मतलब है यार? अब्बास सर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई वाले का बेटा है तो क्या, टैलेंट भी कोई चीज होती है। अब सिर्फ तीन शूज बचे हैं और तू ना पागलों जैसा बिहेव करना बंद कर दे, वरना वो तीन में चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, हमारा चांस हमसे कोई नहीं छीन सकता। गट्टू और गुंजन भी अपनी प्रतिभा को मंच पे लाने के लिए बेचैन थे, पर ग्लैमर की दुनिया क्या सच में वैसी है जैसी दिखती है? गोल्डन बूट्स के बिना शो में एंट्री मुश्किल थी और उनके लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम तो बिल्कुल ही असंभव था। गट्टू और गुंजन के लिए मौका रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। रुपए का अभाव, गोल्डन बूट्स, एक कथित रियलिटी शो और उसके जरिए मशहूर होने का ख्वाब फैजाबाद के 2 नौजवानों को एक खतरनाक भंवर में घसीटता जा रहा था। इसका अंजाम किसी को तो मिल ही चुका था। उन गोल्डन बूट्स के साथ उस कचरे के ढेर में कौन था? क्यों बुलाया मुझे? यार गुंजन, वरुण के बाप के पास बहुत पैसा है ना? ये बोलने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया कि वरुण के बाप के पास बहुत सारा पैसा है? अरे उससे हमें क्या? हम वरुण मित्तल को किडनैप कर लेते। तू पागल हो गया है? तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं ये फालतू चीजों में नहीं पढ़ना चाहती, समझा? जा गुंजन, यार देख मैंने बहुत सोचा है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सपने पूरे करने हैं तो हमें ये करना ही होगा। सपने पूरे करने हैं ना तो देख, हम उसे किडनैप करेंगे और हम हमारा फोन स्विच ऑफ करेंगे ताकि कोई हमें ट्रैक ना कर सके, और फिर हम एक जुगाड़ वाले सिम से उसके बाप को फोन लगाएंगे। जुगाड़ वाला सिम? जुगाड़ वाला सिम जो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है, और मैं उसे कॉल करूंगा ना, वो भी मैं किसी दूसरी लोकेशन पे जाके करूंगा ताकि हमें वो ट्रैक ना कर सके, और फिर उसके बाप से बस फीस के लिए पैसे मांगेंगे 2 लाख रुपए, और एक बार पैसे मिल जाए उसे सही सलामत अपने घर पे पहुंचा देंगे।
और फिर हमारी सारी मुसीबतें दूर होगी। कुछ तो बोल यार गुंजन, देख हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बस हम फीस के लिए पैसे मांग रहे हैं। देख सबसे तो मांग के देख लिया, अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। तू श्योर है ये सेफ है? देख मैंने सब प्लान कर लिया है, हमें यहाँ सबको बस ये बताना है कि हमें कानपुर में किसी लोकल शो में पार्ट लेना है। मैं जस्सीपा जी से कानपुर जाने के लिए एक वैन मांगता हूँ। मुझे बस ये करना है कि तू वरुण को किसी तरह क्लास के बाहर ले आ, उसे अच्छी तरह जानती है ना। तेरी प्रैक्टिस कैसे जा रही है? मेरी प्रैक्टिस तो अच्छी जा रही है और अब तो मुझे गोल्डन शूज भी मिल गए। अच्छा एक बात बताओ, मुझे आपके फ्रेंड है ना गट्टू भैया, वो कुछ ज्यादा ही स्टाइल मारते, उस दिन देखा कैसे बिना बात के भड़क गए। तू छोड़ ना, इग्नोर कर, चल। फिर मैं वहां वैन लेकर आऊंगा और वरुण को उठा लूंगा। क्लोरोफॉर्म का तो जुगाड़ कर ही लिया है, उसे क्लोरोफॉर्म सुंगा दूंगा और वैन में डाल लूंगा। और हम वहां से लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। लखनऊ में मेरी बुआ का एक पुराना मकान है, शहर से काफी दूर है, हम वहां बिल्कुल सेफ रहेंगे। कोई चांस ही नहीं है, अब बस फोन लगाना है। गुंजन यार एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? वरुण के पापा का तो नंबर ही नहीं है हमारे पास। क्या? अब क्या करें? चल तेरे बाप का नंबर दे। मेरे पापा का नंबर याद नहीं है। सीधे सीधे अपने पापा का नंबर दे दे। उनके पास 3 नंबर है और मुझे नंबर याद रखने में बहुत मुश्किल होती है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुझे, अपने पापा का नंबर दे दे। लेकिन इसमें क्या बड़ी बात है, अब मेरे फोन में से उनका नंबर ले लो ना। तेरा फोन? हाँ मेरे बैकपैक में, पता नहीं मम्मी और पापा के कितने मिस कॉल होंगे। डांस क्लास के लिए साइलेंट किया था। साइलेंट पर है। कर,
वरुण का फोन पहले क्यों नहीं लिया? मुझे नहीं पता था कि उसके पास मोबाइल फोन है। गड्डू, अगर पुलिस ने वरुण का फोन ट्रैक कर लिया तो? गुंजन देख देख, कोई है तो नहीं? नहीं। फेंक दो। हाँ, फेंक 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 फेंक। तुझे फोन चेक करना चाहिए था ना। और तू क्या कर रही थी गुंजन? तेरे को ध्यान नहीं था क्या? बात करती है। अब क्या करें? देख यार गुंजन, अब टेंशन लेके कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस फोन लगाना है, पैसे लेने, बस बात खत्म। पुलिस आ गई यार गुंजन, लगता है उन्होंने वरुण का फोन ट्रेस कर लिया। अब क्या करें? तू चल वरुण के पास चल। तुझे क्या लगता है, उन्हें पता चल गया? मुझे नहीं पता, अगर उन्होंने नंबर ट्रेस भी कर लिया होगा फिर भी इतने जल्दी वो हम तक कैसे आ सकते हैं? गुंजन, तूने किसी को बताया तो नहीं ना हमारे प्लान के बारे में? तुझे क्या लगता है मैं पागल हूँ? अगर ट्रेस भी कर लिया होगा ना उन्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ लखनऊ से निकलना होगा। और हम जाएंगे कहाँ? हमने सबको बताया था ना कि हम कानपुर जा रहे, तो हम ऐसा करते हैं, हम कानपुर ही जाते हैं, इससे किसी को हम पर कोई शक नहीं होगा। ठीक है। जल्दी करो, अगर क्लोरोफॉर्म का असर खत्म हो गया तो वरुण होश में आ जाएगा। हमें कमरा चाहिए। ये हमारी आपा है और उनकी बेटी, बस सफर के थोड़े थके हुए हैं। ले लीजिए चाबी। पार्सल करा देना यार गुंजन, बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैंने सोचा नहीं था उसका बाप पुलिस में रिपोर्ट कराएगा। हो सकता है वो पुलिस स्टेशन गए ही ना, शायद हम ही घबरा रहे हैं। पुलिस क्या करे? क्यों कट किया? अब्बास सर का था वो। तू चल यार निकलते हैं। कॉल कर, तू ऐसा बिहेव करेगा ना तो सबको और शक होगा हम पे। कर हेलो गट्टू, ऐसा बात वापस कब आ रहे हो? गोल्डन शूज की फीस पे लगे हो क्या? सर पैसों का इंतजाम बस हो जाएगा। गट्टू तुम्हें पता तुम्हारे पीछे से क्या हुआ? वो मेरा एक और स्टूडेंट है ना वरुण, वो मिसिंग है। पुलिस को लगता है उसका किडनैप हुआ है और उसे उठा के लखनऊ ले गए। उसका फोन भी रिकवर हुआ है लखनऊ से। अच्छा गट्टू, मेहुल बता रहा था कि गुंजन को वरुण के साथ बाहर जाते हुए देखा था।
गुंजन तो तुम्हारे साथ है ना? वैसे बाकी स्टूडेंट्स भी बता रहे थे कि वरुण और तुम्हारी कुछ झड़प हुई थी। लट्टू, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? देखो गट्टू, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो तुम मुझे बता सकते हो। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, सर वरुण हमारे पास ही है। सर हमने नहीं सोचा था ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी। सर प्लीज हमें इससे बचा लीजिए सर। सर हमने वरुण को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है सर, वो बिल्कुल ठीक है सर, प्लीज सर। गट्टू, गट्टू ये क्या कर दिया तुमने? तो तुम्हें पता है ये क्रिमिनल केस है। सर हम पुलिस को सब सच बता देंगे। नहीं गट्टू, गलती से भी पुलिस के पास मत जाना। अगर तुम पुलिस के पास गए ना तो कभी बाहर नहीं आ पाओगे। मैं कुछ करता हूँ, मैं वरुण के पापा से बात करता हूँ। मैं उनको जानता हूँ, मैं उन्हें लखनऊ लेकर आता हूँ। सर अब हम लखनऊ में नहीं, कानपुर में। ठीक है, हम कानपुर आते हैं। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बात तुम किसी को मत बताना, और तुम जहाँ हो वहीं के वहीं रहना, वहां से बाहर भी मत निकलना। तुम मेरा इंतजार करना, कहीं जाना मत, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। हार कुंजन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे गलती नहीं, ये सब गलती तेरी है। ये प्लान भी तेरा ही था। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि ये सब रिस्की है, पर तू सुनता ही नहीं है मेरी बात। हाँ ठीक है, सारी गलती मेरी है, लेकिन अब ये जो रायता फैला है ना, उसे समेटना ज्यादा जरूरी है। और तू मेरे पे हल्ला बोलना बंद कर, बस प्रे कर इसी तरह अब्बास सर वरुण के पापा को लेके आए। सर आप अकेले आए हैं? सर वरुण के पापा? गट्टू सांस तो लेने दे, ये बताओ कहाँ है वो, उसे कहाँ छुपा के रखा है? छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, मुझे ऐसे जाने दो, छोड़ो मुझे। सर ये क्या था? मैंने इसको सोने का इंजेक्शन दिया है, अगर वो नहीं देता तो वो शोर मचाता और हम सबके सब फंस जाते। और उनके पापा को इन्फॉर्म कर दिया, मैं ये जगह जल्दी खाली करनी होगी। उठाओ इसे। ये कौन सी जगह है और हम यहाँ पे क्यों आए? वरुण के पापा यहाँ है ना? बट तू सवाल जवाब पूछना बंद करो। ये मेरे दोस्त की बिल्डिंग है और हम यहाँ पे सेफ हैं। बाहर बहुत खतरा है, जब तक हम इसके माँ बाप को इसको नहीं सौंप देते तब तक हमें यहीं रहना होगा। सब ठीक हो जाएगा, चलो। बस हो गया सर, और कितना चढ़ना पड़ेगा? बस 100 रुपये। चलो गुंजन। गट्टू, ये बांधो। रस्सी देख रहे ना आसपास में कितना खुला है, फिर गिरा गया, चोट लगी तो उसके पापा को क्या जवाब देंगे? आसपास
मुझे पता होता तुम गोल्डन बूट्स के लिए इतने पागल हो ना, तो तुम लोगों को मैं ऐसे ही दे देता। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी नजरों में अगर कोई डिजर्व करता है ना, तो वो तुम दोनों। वेट, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। हमारे गोल्डन बूट्स। हेलो, पहन कर देखो। अरे आराम से, पट्टू और गुंजन ने वरुण को किडनैप करने का एक फूल प्रूफ प्लान बनाकर आखिर वो गोल्डन बूट्स हासिल कर ही लिए। इन 18-19 साल के नौजवानों ने कानून और परिवार को चकमा देके जिस सफाई से किडनैपिंग जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया, वो सच में हैरान करता है। पर दुर्भाग्य कहे या विडंबना, गुनाह का जाल बुनने वाले गट्टू और गुंजन खुद जाल में फंस गए। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं गोल्डन बूट्स। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि अगर कोई डिजर्विंग है तो तुम दोनों। खैर, ये जो हमारा प्लान था, क्या प्लान था? कितने पैसे मांगने का प्लान था तुम्हारा? सर सिर्फ पीस के पैसे, 2 लाख रुपए। सिर्फ 2 लाख? तुम तो सच में बेवकूफ निकले। तुम्हें पता है मित्तल स्वीट्स का टर्नओवर कितना है? 5 करोड़ रुपए सालाना। बिना रिसर्च किए बच्चा उठा लिए थे क्या? अब तुम्हारे अब्बास सर आ गए, अब संभाल लेंगे। अब तुम्हारी लाइफ जो है ना, तुम्हारे बूट्स की तरह गोल्डन होने वाली है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। सपना तो सही था, पर रास्ता गलत हो तो राही भी गलत ही टकराते हैं। गट्टू और गुंजन के साथ भी यही हुआ। माना शोहरत पाने का उन दोनों ने गलत रास्ता चुना, पर जब लौटने की सोची तो अब्बास उनसे टकराया। तब तक गट्टू और गुंजन को अंदाजा हो गया था कि डांस टीचर धोखेबाज है, पर ये ट्रैप कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा उन दोनों को बिल्कुल नहीं था। सर 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 प्लीज ऐसा मत करो सर। सर सर हम वरुण को उसकी फैमिली को वापस कर देते। सर सर प्लीज उसे छोड़ दीजिए। सर सर हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम माफी मांग लेंगे। सर सर इस लफड़े को यही खत्म करते। सर सर प्लीज उसे जाने दो। सर प्लीज चुप। अब ये 7-8 घंटे तक उठने वाला है, और अब फटुओं की तरह बात करना बंद कर मुझसे। अब कुछ हम वैसे ही करेंगे जैसा प्लान था, बस इस बार थोड़ा सा चेंज। पहले तुम 2 लाख मांग रहे थे, अब 50 लाख मांगोगे। पैसा कब और कहां लाना है ये हम बताएंगे। एक बार पैसा हाथ में आ गया, बच्चे का काम तमाम। काम तमाम क्या मतलब सर? तुम बहुत ही नादान हो। मंझे हुए खिलाड़ी चांस नहीं लेते। हो सकता है उसने तुम्हें देख लिया, या तुम्हें देख लिया। तुम चांस नहीं ले सकते गट्टू, तो ये दिमाग लगाना बंद करो। जैसा हम कह रहे हैं चुपचाप वैसा करो। गुंजन, मैं वरुण के पापा को फोन करके सब बता दूंगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सर वरुण हमारे पास है। तुम सच में ऐसा करोगे गट्टू? ने बोला ना रिस्क नहीं लेने का। अपना दिमाग लगाना बंद करो, रिलैक्स करो। मैं अभी आता हूँ कुछ अरेंजमेंट्स करके, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ।
श्योर है गट्टू ये करना चाहता है? सर के पास हमारी रिकॉर्डिंग है और कहीं अगर हम फंस गए तो? सब चुके ये गुंजन बहुत बड़ी गलती हो गई गुंजन उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अगर मैंने ये गलती नहीं सुधारी ना तो अब बस इस वरुण को मार डालेगा गुंजन मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है गुंजन मेरी गलती की सजा ये क्यों भुगते अगर हमने इसे सही सलामत घर तक छोड़ दिया ना गुंजन हो सकता है इसके घर वाले हमें माफ कर दे और ये बेचारा भी बच जाएगा हाँ। तू चल गुंजन तू मेरी मदद कर मैं इसे नीचे वैन तक ले जाना होगा ठीक है तू चल माल का जिगरा है तुम दोनों का लेकिन बेवकूफ भी एक से बढ़कर एक हो तुम दोनों ये कमाल की बात बहुत हुआ तुम्हारा नाटक पढ़ उसे फोन निकाल अपने गट्टू चल गुंजन गट्टू अपना फोन निकाल फोन निकाल अपना फोन निकाल अभी के अभी फोन निकाल फोन निकाल जल्दी कर रोना धोना बंद कर दरवाजा बंद कर फटाफट बनारस की चौक बाजार की सब्जी मंडी में पिलर नंबर 6 के पास तुम्हें बैग रखना है और हाँ वरुण की माँ को भेजना ध्यान रखना कि अगर कुछ समझदारी की बेटा नहीं मिलेगा और हाँ पैसे मिल जाने के बाद मैं अगले कॉल में सारी डिटेल्स मिल जाएगी अब्बास तुम उस फट्टू से तो बहुत समझदार निकली अब मेरे बंदे जाके वहां से पैसे उठा लेंगे फिर यहां से मुंबई मुंबई जाके तो तुम स्टार बन जाओगी फिर बस ऐश ही है देखिए आप लोग घबराइए नहीं हम लोग कॉल ट्रैक कर रहे हैं किडनैपर्स के लोकेशन का पता बहुत जल्द चल जाएगा बस आप लोग पैसों का इंतजाम रखिए
इस वक्त बच्चे की सेफ्टी बहुत जरूरी है और हम लोग इस केस की हर एक एंगल से जांच कर रहे हैं। आपके बेटे का जो डांस टीचर अब्बास है उस पर भी हमें शक है। भीड़ वाली जगह तय की है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने लड़कों को ले जाना, पैसे उठाने के बाद मुझे कॉल करना। मेरे लड़के बनारस से पैसे उठा लेंगे। अभी मैं मुंबई जाने का इंतजाम करता हूँ हमारा, और वो इंजेक्शन है उसे लगा देना। जब तक मैं ना हूँ मेरा यहीं इंतजार करना, समझी? किडनैपर का कॉल ट्रैक हो गया है और हमारी एक टीम कानपुर के लिए निकल चुकी है। इस वक्त हमारे लिए बच्चे की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमें वैसा ही करना होगा जैसा उसने कहा है। आपकी पत्नी बैग लेकर जाएगी, बनारस की सब्जी मंडी में चारों तरफ हमारी टीम होगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम किडनैपर्स को पकड़ लेंगे। चलो अब एक नई डांस क्लास शुरू करते हैं। तुझे देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम इतनी बड़ी गैंग चला रही हो। एक बार और पूछ रही हूँ, सीधे सीधे बता दो और कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें। तेरा सारा सच सामने आ चुका है। और तेरा वो दोस्त जिसका तूने मर्डर किया था, उसकी बॉडी मिल चुकी है हमें। और ये देख, तेरी पार्टनर, क्या नाम है इसका? मैं, मुझे नहीं पता। अब्बास सर के लोग हैं। तेरे अब्बास सर डांस स्कूल छोड़कर मुंबई जा चुके हैं। बात की हमने उनके स्टूडेंट से, फेयरवेल रखा था उन्होंने उनके लिए, फिर वो कानपुर कहाँ से आ गए?
ये कहानियां बनाना ना बंद कर और फटाफट सब उल्टी कर दे। पापा सर ने मारा है गट्टू को। हमें तो सिर्फ ये गोल्डन शूज चाहिए थे। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया है। फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी उत्तर प्रदेश के चार बड़े शहरों की पुलिस को जॉइंट ऑपरेशन करना पड़ा और तब जाके पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्बास को पकड़ा। जांच में इस बात का पता चला कि अब्बास एक पेशेवर अपराधी था। गट्टू और गुंजन अपने कला के दम पर अपना मकाम पा सकते थे। सपना पूरा करने की जल्दी में उन्होंने अपने फायदे की तो सोची पर नुकसान का हिसाब लगाना भूल ही गए। सपने हम सबके होते हैं पर मेहनत और संयम ही सही तरीके से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया। तो सावधान।